उपमंडल बरसर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत करियाड़ा बाग सोहारी और बिजटी पंचायत का एक प्रतिनिधि मंडल सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर उपायुक्त हमीरपुर डॉक्टर ऋचा वर्मा से मिला। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके की सड़क पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि करियाड़ा खड्ड के पास विभाग द्वारा लगभग 1 करोड़ रूपए खर्च कर पुल का निर्माण किया गया है। सड़क के दोनों तरफ कुछ लोगों ने अवैध रूप से डंगे दे रखे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा इसके लिए निशानदेही भी करवाई गई थी और समस्त ग्रामवासियों के सामने एक मकान को वहां से हटवाया गया था। उन्होंने कहा कि निशानदेही में डंगा भी सरकारी भूमि पर पाया गया था। विभाग ने इस पर 1 साल बाद कार्रवाई की और इस डंगे को वहां से उखाड़ दिया और उसकी जगह नए डंगे का निर्माण शुरू करवा दिया। ग्रामीणों ने कहा कि इसका पता चलते ही सभी ग्रामवासियों ने डंगे के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर डंगा उसी जगह पर लगाना था तो विभाग ने डंगा क्यों उखाड़ा, बार बार सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है। ग्रामीणों ने उपायुक्त से मांग की है कि वह खुद इसका दौरा करें और इस अवैध कब्जे को वहां से हटाएं। इस मौके पर ग्रामीण पंचायत करियाड़ा बाग प्रधान अंजू शर्मा, सुहारी पंचायत प्रधान रंजीत कुमार शर्मा, रामकृष्ण लेखराम, मदन कुमार शंकरदास, कमल देव, शक्तिचंद, निर्मला देवी और कमला देवी आदि मौजूद रहे। वहीं उपायुक्त ने प्रतिनिधि मंडल को मामले की जांच कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सर, मैं ग्राम पंचायत प्रधान कैराबाग और हम अपनी मांगों को लेकर, समस्याओं को लेकर आए हैं। जो कि हमारी सरकारी भूमि जो है, जहाँ से हमारा मेन रोड आता है, उसको उसमें जो है सरकारी लैंड में जो वो कब्जा हुआ है, डंगा बनाया गया वहाँ पे। वहाँ पे एक परिवार की वजह से जो है वो हमारे कम से कम 10 गांव जो वो परेशान हो गए हैं और वो डंगा वहाँ से उखाड़ा गया है। उसके लिए पैसा भी सेंक्शन हुआ है लेकिन वो पूरा नहीं उखाड़ा जा सकता। जहाँ तक जो डिमार्केशन हुई थी वहाँ तक नहीं उखाड़ा जा रहा है वो, और बसों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। मैं खेड़ी गाँव में कैराबाग पंचायत है, बाकी 5-6 पंचायतों में लॉस हो रहा है। जो बस जाती है, गवर्नमेंट की बस जाती है, उस जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ बस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बस कटाई भी करती है वहाँ से, उसमें रोड में तंगी है। गवर्नमेंट लैंड उन्होंने कब्जे किया है, जो मकान है उतना ही उस गवर्नमेंट लैंड में उन्होंने कब्जा किया उसमें उसका, तो उसकी निशानदेही भी हुई है, 3-4 बार निशानदेही हुई है। तो अभी उसका डंगे का काम चला है और डंगे का काम गलत चला है। तो हम सारी पंचायतों के पूरा, हम कम से कम 200-300 बंदा आया है इधर, डी साहब से मिलना है। तो हमको जो भी सही लगे वो डी साहब हमारी मांग को पूरे करें। सर, हमारी प्रॉब्लम ये है कि एक सड़क जाती है गारली से बिजड़ के लिए बाया खेड़ी होकर, वहाँ पे एक डंगा लगाया जा रहा है। उस डंगे को मैंने प्रैक्टिकल देखा कि एक्सीडेंटल केसेस बनेंगे वहाँ पर, क्योंकि बैंड है, बैंड के ऊपर जो वो डंगा एज इट इज जो धान सड़ रही है उसी को लिया जा रहा है। एक दिन मैंने खुद बाइक पे जा रहा था, वहाँ से एक गाड़ी स्कूल बस आ रही थी, उसको पास करने के लिए भी जगह अवेलेबल है, तो उसी जगह पे लगा रहा है। तो हमारी मेन मकसद है कि 1 करोड़ का नीचे पुल बना दिया, लेकिन उसके साथ जो वो डंगा 1 फुट या 2 फुट अंदर नहीं हो सकता है, कल को एक्सीडेंटल केसेस 100% होंगे। या आप मौका वारा तो वहाँ देखिए, अगर ऋषि साहब हमारी मांग को पूरा करते हैं तो ठीक है, अगर मांग को हमारी पूरी नहीं करते हैं तो हमारी जो लैंड हमने दे रखी है बस नहीं चलेगी। सरकारी गरीब तबका है, हर आदमी के बस का सब देखता है, 2 बसें चलती हैं वो भी बंद हो जाएगी, आने जाने वालों को दिक्कत हो जाएगी। तो हम अपना रोड काट देंगे, हमारी निजी भूमि दी हुई हमने, तो उस भूमि से हमें वो मिलना चाहिए, तो हम अपने रोड को ब्लॉक कर देंगे। कल को ना थे हम तो कोई भी लाभ हानि का कर निश्चित वो नहीं किया जाए, हमारे पास दर्शन ना लगाया जाए। धन्यवाद।